गुड मॉर्निंग उच्चो। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है या नहीं? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडेंसेशन रिएक्शन का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन के जो डिफरेंट केसेस हैं उनको मैंने डिस्कस किया। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन एंड इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन दो क्लासिफिकेशन है, और उसमें इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में फर्दर दो केसेस आते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये सारी एनालिसिस जो है वो लास्ट क्लास में हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन। क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन। क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन, इसमें लिखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमैटिक एल्डिहाइड, एरोमैटिक एल्डिहाइड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमैटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक और मिक्स्ड कीटोन, एंड एलिफैटिक और मिक्स्ड कीटोन, एंड एलिफैटिक और मिक्स्ड कीटोन इज कॉल्ड क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन, इज कॉल्ड क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन, इज कॉल्ड क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन। तो देखो, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंसीडर कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन या मिक्स्ड कीटोन को कंसीडर कर रहे हैं, एलिफैटिक कीटोन और मिक्स्ड कीटोन को अगर कंसीडर कर रहे हैं, इसको हमने डाइल्यूट एनएच के साथ हीट किया, तो डाइल्यूट एनएच के साथ हीट करने पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। इसको क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी तरीके से हम यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ मिक्स्ड कीटोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, CH3CO C6H5। इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। तो यहां पे कंडेंसेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट बन जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसलिए यहाँ पे हमेशा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनता है। एक्सटेंडेड अगर आप डबल बॉन्ड को देखो तो डबल बॉन्ड इधर भी कंजुगेटेड है, इधर भी कंजुगेटेड है, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है इसमें। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पे हमेशा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लेजियन सिमिट्स कंडेंसेशन में हमेशा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो और इसमें कोई और स्पेशल बात नहीं है, आप सिर्फ ये देखोगे अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन को यूज किया जा रहा है, या एरोमेटिक एल्डिहाइड और मिक्स्ड कीटोन को यूज किया जा रहा है, या मिक्स्ड कीटोन है क्योंकि इसके एक साइड में एल्काइल ग्रुप है और दूसरे साइड में एराइल ग्रुप है, तो हमेशा कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन को क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन बोलेंगे। अब एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दे करके आपसे ये पूछा जाता है कि उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा सब्सट्रेट और कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व है। मतलब एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपके सामने है और कंडेंसेशन प्रोडक्ट को देख करके आपको बताना होगा कि वो कौन से सब्सट्रेट और रिएजेंट से फॉर्म हुआ है। तो अब जरा देखो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है, मान लो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट गिवेन है, ठीक है, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब हमें पता करना है कि इसका सब्सट्रेट और रिएजेंट क्या है, कौन से सब्सट्रेट और रिएजेंट के कंडेंसेशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसमें जो कीटो ग्रुप है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई करो। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा और बीटा कार्बन है उनको आप मार्क करो। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन है उनको आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और बॉन्ड ब्रेक करके जो अल्फा कार्बन है उधर आप दो हाइड्रोजन और जो बीटा कार्बन है उधर आप एक ऑक्सीजन ऐड करो। अल्फा कार्बन की तरफ दो हाइड्रोजन और बीटा कार्बन की तरफ एक ऑक्सीजन, क्योंकि ओवरऑल H2O रिमूव होता है। तो आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन की तरफ दो हाइड्रोजन और बीटा कार्बन की तरफ एक ऑक्सीजन, ये ऐड करना है। अब यहां पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से डिराइव पार्ट जो है ये तो रिएजेंट रहा होगा। अल्फा कार्बन यहाँ पे रिएजेंट से मिलता है और जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन ये सब्सट्रेट से मिलता है। अल्फा कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम रिएजेंट वेयर एज बीटा कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम सब्सट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे सब्सट्रेट इसको फॉर्म करने के लिए जो इन्वॉल्व है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और जो रिएजेंट इन्वॉल्व है उसका स्ट्रक्चर ये है। तो इस सब्सट्रेट और रिएजेंट के कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो कैसे आप कंडेंसेशन प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग सब्सट्रेट और रिएजेंट को आइडेंटिफाई करोगे, अप्रोच समझ में आया बेटा? कंडेंसेशन प्रोडक्ट का सब्सट्रेट और रिएजेंट क्या है
इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वो भी बता दो भाई, फिर से रिपीट कर देता हूं। अरे क्या हो गया? अरे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही कि नहीं तुम लोगों को? कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे अभी लगता है नींद नहीं खुली। अरे मैंने ये बोला कि अगर हमारे सामने एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, हमें ये पता करना है कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट कौन से सब्सट्रेट और कौन से रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कौन सा सब्सट्रेट और कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व है, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, उसका अप्रोच बता रहा हूं। मैंने बोला कि सबसे पहले कंडेंसेशन प्रोडक्ट में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर। कार्बोनिल ग्रुप जहां है उसके रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन को आप मार्क कर दो। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ही हमेशा डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है और जो बीटा कार्बन है उसको आप मार्क कर दो। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो, और फिर अल्फा कार्बन वाले साइड में दो हाइड्रोजन ऐड करो और बीटा कार्बन वाले साइड में एक ऑक्सीजन ऐड करो। ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है आपको। अल्फा कार्बन में दो हाइड्रोजन और बीटा कार्बन में एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दो। तो जो अल्फा कार्बन है वो हमेशा आपको रिएजेंट से मिलेगा, मतलब वो रिएजेंट का पार्ट रहा होगा, और जो बीटा कार्बन है ये सब्सट्रेट का पार्ट रहा होगा। तो इस तरीके से आपको रिएजेंट और सब्सट्रेट का पता चल जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे सिद्धांत, निर्मल, तुम लोगों को क्या इनविटेशन भेजना पड़ेगा क्या? तो देखो अगर मैं वन वे ट्रैक चला दूंगा ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें क्लास का टाइम खराब होता है, ये मैं आपको बता दूं, और इसी की वजह से यही सब जो थोड़े थोड़े टाइम का जो वेस्टेज हुआ है उसी की वजह से सिलेबस डिले हुआ है। आप लोगों को क्विक रिस्पांस देना चाहिए। आप अगर पैसे होकर के बैठे रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, परकिंस कंडेंसेशन। परकिंस कंडेंसेशन, परकिंस कंडेंसेशन।
रिएक्शन का डिटेल लिखो. Having at least two alpha hydrogen in presence of sodium or potassium salt of corresponding carboxylic acid, then there occurs the formation of a condensation product. Alpha beta unsaturated acid takes place. Agaliko, reaction proceed in following three steps. ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं. क्या है रिएक्शन? तो यहां पे बोल रहे हैं कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है. और इसको एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जिसके अल्फा कार्बन पे कम से कम दो हाइड्रोजन है. यहां पे तीन हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे. अब बोल रहे हैं कि जो हम यहां पे एसिड एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, इसी एसिड एनहाइड्राइड का जो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्जिलिक एसिड है, बिकॉज ये एसिड डेरिवेटिव है, तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्जिलिक एसिड है उसी का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को यूज करेंगे. ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है, तो हम एसिटिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को यूज करेंगे. ठीक है, एसिटिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ इसको हीट करेंगे. तो अब देखो क्या होता है, रिएक्शन के थ्रू फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस होता है और इसको हम बोलेंगे, इस कंपाउंड को. वैसे तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है, बट इसका कॉमन नेम है इस कंपाउंड का सिनेमिक एसिड कॉमन नेम है इस कंपाउंड का. इन जनरल ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बोला जाएगा.
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। अब बोल रहे कि ये रिएक्शन तीन स्टेप में प्रोसीड करती है, ठीक है, तीन स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब स्टेप वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। स्टेप वन लिखो, स्टेप वन इसमें नोट करो, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर्स, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर्स बिटवीन, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर्स बिटवीन एसिड एनहाइड्राइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। जब इसको सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट किया तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट बन गया, ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये स्टेप कैसे हुआ है इस बात को भी समझ लो। इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम एसीटेट हम यूज कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट एज अ बेस, ठीक है, ये एज अ बेस यहां अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, सोडियम एसीटेट एज अ बेस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो यहां पे कार्बन आयन बन जाएगा। फिर वो कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल ये एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। फिर ये ओ नेगेटिव जो फॉर्म हुआ है, ये ओ नेगेटिव एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन लेकर के इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। स्टेप टू लिखो, इन दिस स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, इन दिस स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट अकर्स, इन दिस स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट अकर्स टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड एनहाइड्राइड, टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड एनहाइड्राइड, टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड एनहाइड्राइड। तो अब जरा देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है, ध्यान देना, ये सोडियम एसीटेट लास्ट में रीजनरेट हो गया था, तो सोडियम एसीटेट अभी भी उस सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, ये जो एसीटेट आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है, एसीटेट आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर यहां पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और यहां से
OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह डिहाइड्रेट होगा, तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CO CH3 प्लस H2O प्लस H2O एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके साथ H2O और एसिटिक एसिड प्रेजेंट। भाई एसिटिक एसिड कैसे बना? ये एसिटेट आयन यहां से हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है। एसिटेट आयन यहां से नहीं, आप इसको ऐसे लिखोगे प्लस वाटर प्लस एसिटेट आयन, क्योंकि आप एक बार फिर से समझो, ये एसिटेट आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो एसिटिक एसिड बन गया, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां गया और यहां से OH नेगेटिव रिमूव हुआ। अब OH नेगेटिव और एसिटिक एसिड एक साथ प्रेजेंट है, तो OH नेगेटिव बेस है और एसिटिक एसिड एसिड है, तो इसलिए क्या होगा, OH नेगेटिव एसिटिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर प्लस एसिटेट आयन का फॉर्मेशन होगा स्टेप टू में। ये क्लियर हो रहा है बेटा? ये जो बात मैकेनिज्म की मैं बता रहा हूं, ये समझ में आ रहा है आपको? आप देखो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री लिखो, लिखो इन दिस स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, इन दिस स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस which results in the formation of alpha beta unsaturated acid, which results in the formation of alpha beta unsaturated acid। तो बोल रहा है कि ये जो dehydrated product हमें मिला है step 2 में, ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए देखो वाटर हम बाहर से नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि ये जो वाटर रिमूव हुआ है यही यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराएगा, तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इधर आ जाता है एच और इधर आ जाता है OH। तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा कंपाउंड C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस एसिटिक एसिड दूसरे साइड से। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो एक तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बन गया और उसके साथ एसिटिक एसिड, मतलब यहां पे जब रिएक्शन होगी तो इस प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट एसिटिक एसिड भी फॉर्म होगा, बाकी जो कुछ भी फॉर्म हुआ वो सब आगे कंज्यूम होता जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम परकिंस कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, अब ज्यादा ज्यादा ये होगा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके ऊपर हम अलग अलग ग्रुप लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगा सकते हैं। तो एक तो इसकी रिएक्टिविटी, मतलब जो है यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं,
अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछ रहे हैं तो ये एज अ सब्सट्रेट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अब ये एज अ सब्सट्रेट कब ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ऐसे सिचुएशन में वो एज अ सब्सट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर वो एज अ सब्सट्रेट कम रिएक्टिव होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस इसकी रिएक्टिविटी को कम करेगी, ठीक है। दूसरी बात कि अब हम इधर जो एनहाइड्राइड कंसिडर कर रहे हैं, सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बात हमेशा बोलते हैं कि एनहाइड्राइड यहां पे हमेशा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। एनहाइड्राइड यहाँ पे सिमेट्रिकल होना चाहिए, अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा तो कॉम्प्लिकेशन ही आएगी, तब वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल कंसिडर करते हैं। और अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए, तो अब इस कार्बन पे आप एक एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, एक ही एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप आप नहीं लगा सकते। तो अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे इसका भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट गिवन है और आपसे ओरिजिनल रिएक्टेंट, ओरिजिनल सब्सट्रेट और रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रहा हूं और आपको इसका सब्सट्रेट और रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, तो देखो कैसे आप प्रोसीड करोगे। मान लो कि पर्किंस कंडेंसेशन में परकिंस कंडेंसेशन के थ्रू अगर ये प्रोडक्ट बनाया है परकिंस कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है, परकिंस कंडेंसेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट बना है। अब आपको पता करना है कि इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में सब्सट्रेट और रिएजेंट क्या इन्वॉल्व्ड है। तो अब यहां पे आप कैसे अप्रोच करोगे, देखो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आप देखो। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा और बीटा कार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उनको आइडेंटिफाई कर लो, अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लो। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दो, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दो, अल्फा कार्बन वाले साइड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो और बीटा कार्बन वाले साइड में दो हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो अब आपको यहां से क्या मिल जाएगा, सब्सट्रेट मिल जाएगा। जो बीटा कार्बन है वो सब्सट्रेट का पार्ट था और अल्फा कार्बन जो रिएजेंट है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ रिएजेंट यानी कि एसिड एनहाइड्राइड इन्वॉल्व्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ रिएजेंट इन्वॉल्व्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ रिएजेंट इन्वॉल्व्ड। तो अब आप देखो इसका मतलब कि आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि सब्सट्रेट ये है, ये आपने कंफर्म कर लिया। अब रिएजेंट क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिला है वो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है C6H5CH नहीं होगा CH2 होगा C6H5CH2CH2COOH, तो
COOH, तो बोल रहा है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, इसका एनहाइड्राइड इन्वॉल्व है, और वो एनहाइड्राइड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन के अबाउट ऐसा ही पार्ट दूसरे साइड में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अबाउट ये पार्ट इधर भी कनेक्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी इस तरीके से, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड। तो समझ में आई सारी बात? परकिंस कंडेंसेशन प्रोडक्ट से सब्सट्रेट और रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, स्टॉप कंडेंसेशन, STOBBE, स्टॉप कंडेंसेशन। नोट करो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ कार्बोनिल कंपाउंड This reaction takes place between a carbonyl compound which may or may not have alpha hydrogen and ester having at least one alpha hydrogen आगे लिखो, reaction is catalyzed by strong bases such as alcoholic potassium hydroxide, metal alkoxide, sodamide, etc. Para change करके लिखो, लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। विच मे और मे नॉट बी डिहाइड्रेटेड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर विच मे और मे नॉट बी डिहाइड्रेटेड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। तो अब देखो बेटा, यहां पे बोल रहे हैं हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको हमने एस्टर से रिएक्ट कराया, तो बोल रहे कि यहां पे अगर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट तक हमें ले जाना है तो कम से कम अल्फा कार्बन पे एस्टर के दो हाइड्रोजन होने चाहिए।
ठीक है, ये एस्टर है जिसके अल्फा कार्बन पे अगर एडिशन प्रोडक्ट सिर्फ बनाना है फिर तो एक हाइड्रोजन, और अगर कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो दो हाइड्रोजन होने चाहिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, और मेटल एल्कोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, और सोडामाइड के साथ हीट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस को हमें यूज करना है। तो रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले यहां पे एडिशन प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब अगर आप यहां पे देखो एस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे OH आया तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसको जब हम बेस के साथ हीट करते हैं, ठीक है, अब बेस इनमें यही बेसेस वहां पे प्रेजेंट है, इन बेसेस के साथ अगर हीट कर रहे हैं इसको, तो बेस के साथ हीट करने पे यहां बन जाता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बाय रिमूविंग वाटर। तो ये है स्टॉप कंडेंसेशन। अब देखो ये रिएक्शंस काफी कंफ्यूजिंग है बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ रिएक्शन में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, माइन्यूट चेंजेज हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें क्या सब्सट्रेट और क्या रिएजेंट यूज किया जा रहा है। अब एक बात और समझ लेना, अगर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहा होता तो रिएक्शन इस स्टेज के आगे प्रोसीड न करती, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ही फाइनल प्रोडक्ट होता। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नोवेंगल्स रिएक्शन, नोवेंगल्स रिएक्शन, KNOVENEGEL, नोवेंगल्स रिएक्शन, नोवेंगल्स रिएक्शन लिखो इसका डिटेल, लिखो व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ एन एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ एन एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस सच एज सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस सच एज सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस सच एज सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन देन द फॉर्मेशन ऑफ, देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है, देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। तो
अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करा रहे हैं जिसके पास एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप है। ये एक एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड है, यहां पे मिथाइलीन ग्रुप के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर मिथाइलीन ग्रुप के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो वो एक एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मिथाइलीन ग्रुप से लगा हुआ उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसके दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया तो वो एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन मिथाइलीन ग्रुप वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वीक बेस के साथ सेकेंडरी अमाइन को यूज कर लिया और टर्सरी अमाइन को यूज कर लिया। अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो ऐसा कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर मान लो ये कंपाउंड है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, अब पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड को इस कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रहे हैं साइक्लोपेंटाडाइन, अगर मान लो इसको सेकेंडरी अमाइन के साथ हीट कर दिया, अब इसमें क्या होगा, यहां वाला हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन के जाने के बाद एरोमेटिक कार्बन आयन बनेगा। यहां पे हाइड्रोजन के जाने के बाद एरोमेटिक कार्बन आयन बनेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो हम इसको भी एक एक्टिव मिथाइलीन कंपाउंड बोल सकते हैं। तो अगर हम इन इन दोनों को हीट करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे इस तरीके से। CH डबल बॉन्ड तो ये नोवेंगल्स रिएक्शन है, नोवेंगल्स रिएक्शन इसको बोलेंगे। मैकेनिज्म बताने की जरूरत तो नहीं है, मैकेनिज्म तो समझ ही रहे होंगे। बोलो बेटा, मैकेनिज्म के स्टेप्स तो आपको क्लियर होंगे। अरे भाई यहां पे सेकेंडरी अमाइन है एज अ बेस, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहां कार्बन आयन बनेगा, वो कार्बन आयन उस पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो एडिशन प्रोडक्ट डिहाइड्रेट हो जाएगा, जैसे अब तक हो रहा है किसी भी कंडेंसेशन रिएक्शन में। डिहाइड्रेशन स्टेप हमेशा E1CV मैकेनिज्म को फॉलो करेगा इन रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, क्लेजेन कंडेंसेशन, क्लेजेन कंडेंसेशन। क्लेजेन कंडेंसेशन
इसका डिटेल लिखो लिखो व्हेन एन एस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन is either treated with itself या इसको ऐसे लिखो is either treated with its other molecule or with some other ester molecule or with some other ester molecule in presence of a strong base such as metal alkoxide, sodamide, etc. Metal alkoxide, sodamide, etc. Then the formation of beta keto ester takes place. आगे पैरा चेंज करके लिखो रिएक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज नंबर वन इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन। अब इसका डिटेल लिखो if clajane condensation occurs between two same or different molecules, then reaction belongs to this category. आगे लिखो it is further classified into following two categories. तो इसमें इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सेल्फ क्लेजेन कंडेंसेशन। सेल्फ क्लेजेन कंडेंसेशन। तो इसमें लिखो if reaction occurs between two identical molecules of ester having alpha hydrogen
then it is called self-Kleijian condensation. जैसे देखो, अगर हमने मिथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल कंसिडर किए, अब अगर हम यहां पे मेटल एल्कोक्साइड यूज करते हैं तो मेटल एल्कोक्साइड यूजुअली जो है वो एल्कोक्साइड ये कंसिडर करते हैं जो यहां पे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो CH3ONA को यूज कर सकते हैं, CH3ONA के साथ हीट कर दिया, या हम यहां पे सोडामाइड को यूज कर सकते हैं, अब देखो बेटा होता क्या है यहां पे, ये जो बेस एनायन है, ठीक है, बेस एनायन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो यहां पे कार्बन आयन बन जाएगा और फिर उसके बाद ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है. ठीक है, मैं अभी आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं. तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO CH2CO OCH3 प्लस मेथेनॉल. अब जरा देखो कैसे रिएक्शन होती है. जैसे हम एस्टर को कंसीडर कर रहे हैं, CH3CO OCO CH3 ये एस्टर है. अब हमने इसको मान लो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो ये मिथॉक्साइड आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है तो मेथेनॉल प्रोड्यूस हो गया और यहां से क्या बना दिया मैंने, ये एस्टर है तो यहां से एक कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा, ये कार्बन आयन प्रोड्यूस हुआ. अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये कार्बन आयन एस्टर के ऊपर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो प्रोड्यूस हो जाएगा CH3CO negative CH3CO OCH3 CH2 CO OCH3 ये बन जाता है. और फिर उसके बाद देखो क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आएगा और यहां से ये रिमूव हो जाएगा मिथॉक्साइड आयन, तो मिथॉक्साइड आयन रीजनरेट हो जाता है. ये मिथॉक्साइड आयन जो हमने यूज किया है वो रीजनरेट हो रहा है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया CH3CO CH2CO OCH3. ये है Kleijian कंडेंसेशन की मैकेनिज्म. इसमें अगर हम स्लोवेस्ट स्टेप की बात करें तो स्लोवेस्ट स्टेप ये है जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है, ये स्लोवेस्ट स्टेप.
अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने इस एस्टर को कंसीडर किया CH3, CH2, CO, O, CH3, ठीक है, इसके मान लो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसको हमने सोडामाइड के साथ हीट किया। अब सोडामाइड के साथ हम हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक का ओ सी एस थ्री हटा दो, बाकी जो कार्बोनिल पार्ट तक है वो कंसीडर करो, और ध्यान देना दूसरे का अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, तो CH CH3, CO O CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस मेथेनॉल। ठीक है, अगर आप इसको क्रैम करना चाहते हो तो क्रैमिंग मेथड ये है, देखो CH3 CH2 CO O CH3, ये मान लो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और दूसरे में आपको अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को सामने रखना है। अब देखो क्या होगा, ये रिमूव होता है, ये रिमूव होता है, ठीक है, यहां पे बेस के साथ जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा, तो CH3 CH2 CO CH CH3 CO O CH3 प्लस मेथेनॉल। समझ में आ गया बेटा, बिना मैकेनिज्म लिखे प्रोडक्ट तक कैसे पहुंच सकते हो, ये क्लियर हुआ? आपको हमेशा हाइड्रोजन जो है ना वो अल्फा कार्बन से रिमूव करना है, बीटा गामा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं रिमूव करना है, हमेशा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करना है। मैंने देखा यही गड़बड़ करते हैं लोग, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप लिखो क्रॉस क्लेजेन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेजेन कंडेंसेशन, इसमें लिखो इफ क्लेजेन कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर, if clajane condensation occurs between two different molecule of ester, then it is called cross clajane condensation, then it is called cross clajane condensation. If clajane condensation occurs between two different molecule of ester, then it is called cross clajane condensation. अगले को here cross product is always major product. Here cross product is always major product. Here cross product is always major product. ठीक है, अब यहां पे further दो cases observed होते हैं, तो लिख लो it is further classified into following two categories. It is further classified into following two categories. Number one, first case likho,
लिखो इफ ओनली वन ऑफ देम पजेस अल्फा हाइड्रोजन, इफ ओनली वन ऑफ देम पजेस अल्फा हाइड्रोजन, इफ ओनली वन ऑफ देम पजेस अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर बोल रहे हैं कि दोनों में से सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे देखो अगर हमने इसको कंसीडर किया HCO O C2H5 इथाइल फॉर्मेट है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको हमने रिएक्ट कराया अगर मिथाइल इथाइल एसीटेट के साथ, इथाइल फॉर्मेट को इथाइल एसीटेट के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं CH3CH2ONA की प्रेजेंस में। अब यहां पे आप देखो इसको हमने वन बोला है, इसको टू बोला है, तो दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। वन को तो आप सिर्फ एज ए सब्सट्रेट यूज कर पाओगे, टू को सब्सट्रेट और रिएजेंट दोनों की तरह यूज कर पाओगे, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा बेटा। ये है वन टू, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3CO CH2CO O C2H5, ये टू टू है सेल्फ प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। तो अगर सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। अब आप इसमें दूसरा केस लिखो, इसमें सेकंड केस लिखो, इफ बोथ एस्टर पजेस अल्फा हाइड्रोजन, इफ बोथ एस्टर पजेस अल्फा हाइड्रोजन, इफ बोथ एस्टर पजेस अल्फा हाइड्रोजन, देन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑप्टेन, देन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स is obtained, then mixture of products is obtained two self condensation product and two cross condensation product, two self condensation product and two cross condensation product, two self condensation product and two cross condensation product, where cross product is always major product, where cross product is always major product, where cross product is always major product। तो जैसे देखो अगर हमने consider किया है इस ester को और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं इस एस्टर के साथ सोडामाइड की प्रेजेंस में, मान लो ये वन है और ये टू है। अब यहां पे देखो पहले तो वन का सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा,
एक तो ये है, ये वन वन है। अब आप इसको समझना कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है। अब इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को अगर आप समझना चाहते हो, आप इसको ऐसे देखो। मैंने हमेशा बोला है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन से जाना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाना चाहिए। हमने इसी को ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे और ये मिथॉक्साइड ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा, बाकी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया वन वन, इसी तरीके से बन जाएगा टू टू। ये टू टू है, ये दोनों तो सेल्फ प्रोडक्ट हो गए। अब देखो वन को एज अ सब्सट्रेट यूज किया और टू को एज अ रिएजेंट यूज किया, ये वन टू है। इसी तरीके से टू को एज अ सब्सट्रेट यूज किया और वन को एज अ रिएजेंट यूज किया, ये टू वन है। तो कुल मिलाकर के ये चार प्रोडक्ट है। अब इसमें से ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वन टू एंड टू वन क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी ये दोनों सेल्फ प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट वन टू या टू वन में से कोई एक होना चाहिए। अभी कौन होगा कैसे डिसाइड करोगे, बोलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे सब्सट्रेट लेस हिंडर्ड है, वो क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें सब्सट्रेट लेस हिंडर्ड है। क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप को देखो, स्लोवेस्ट स्टेप वो है जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट पे अटैक कर रहा है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, where substrate is less hindered. तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर टू को एज अ सब्सट्रेट यूज किया जाए तो हिंड्रेंस कम होगा, वन को सब्सट्रेट की तरह यूज करोगे तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा। टू एज अ सब्सट्रेट लेस हिंडर्ड है, इसका मतलब टू को सब्सट्रेट और वन को रिएजेंट कंसीडर करते हुए ये वाला प्रोडक्ट बना है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम ऑर्डर ऑफ यील्ड की बात करें तो टू वन, फिर वन टू, फिर उसके बाद टू टू, और सबसे कम यील्ड होगी वन वन की। तो ये तो हो गया क्रॉस, ये इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन का डिस्कशन, जिसमें मैंने सेल्फ क्लेजेन कंडेंसेशन एंड क्रॉस क्लेजेन कंडेंसेशन करके दो एग्जांपल बताए, दो केसेस बताए। अब आप नोट करो इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन।
देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन को साइक्लाइजेशन वाया क्लेजेन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। That is cyclization via Clajen condensation. या इसका एक और नाम है, इसको डीएकमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, DIECK MANN DIECK MANN कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसका डिटेल लिखो। लिखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएस्टर। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएस्टर। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएस्टर। ड्यूरिंग द रिएक्शन फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। Five or six membered ring is always produced. जैसे मान लो ये एक डाइएस्टर है और इसको हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां से कार्बन आयन बन करके वो इस पे अटैक करके इसको हटा देगा, या ऐसे यहां पे कार्बन आयन बन करके इस पे अटैक भी हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल डाइएस्टर है इसलिए। तो अब आप देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर रिंग बना लो। अब देखो ये तो बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है और उसी कार्बन पे ये एस्टर प्रेजेंट होगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्शन में। अब जैसे अगर हमारे पास अगर ये है, इसको हम सोडामाइड के साथ हीट कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखो ये वाला जो एस्टर है इसके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस एस्टर को अगर हम कंसीडर करें तो इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां से कार्बन आयन बन करके वो इस पे अटैक करे और इसको हटा दे। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी। और ये कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ये एस्टर होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया बेटा, क्लेजेन कंडेंसेशन का कंप्लीट डिस्कशन समझ में आ गया।
अब आप नोट करो, नेक्स्ट रिएक्शन रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन, रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन, रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। नोट करो, देखो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अल्फा हेलो एस्टर, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अल्फा हेलो एस्टर वेयर दे आर ट्रीटेड विथ, वेयर दे आर ट्रीटेड विथ जिंक एंड ईथर, वेयर दे आर ट्रीटेड विथ जिंक एंड ईथर, वेयर दे आर ट्रीटेड विथ जिंक एंड ईथर, वेयर दे आर ट्रीटेड विथ जिंक एंड ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस in a slightly acidic medium, in a slightly acidic medium to produce beta hydroxy ester, to produce beta hydroxy ester, to produce beta hydroxy ester which may or may not be dehydrated, which may or may not be dehydrated, which may or may not be dehydrated to produce alpha beta unsaturated ester, which may or may not be dehydrated to produce alpha beta unsaturated ester, alpha beta unsaturated ester. एक और बात यहां पे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, लिख लो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ साइनाइड, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ साइनाइड इज यूज्ड, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ साइनाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ साइनाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड as substrate, as substrate, then beta keto ester, then beta keto ester, then beta keto ester is obtained, then beta keto ester is obtained. Then beta keto ester is obtained. देखो बेटा, जैसे हमने एक aromatic aldehyde को consider किया और इसको हम ester के साथ treat कर रहे हैं जिसके alpha carbon पे एक halogen है, alpha halogenated ester. इसको पहले हमने treat किया zinc और ether के साथ, फिर उसके बाद हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, मतलब अमोनियम सॉल्ट को आप यूज कर सकते हो इसको एसिडिक बनाने के लिए, ठीक है. तो रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनता है,
ये प्रोडक्ट रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होगा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। अगर यहां पे हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पे, ठीक है, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो ये डिहाइड्रेट होकर के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये डिहाइड्रेट नहीं होगा। यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हम साइनाइड को यूज करते हैं, अगर साइनाइड को यूज करते हैं एज ए सब्सट्रेट, यही रिएक्शन है जहां पे साइनाइड को एज ए सब्सट्रेट यूज किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है आर सी ओ सी सी डबल ओ आर, आर सी ओ सी सी डबल ओ आर। अब यहां पे देखो ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप है तो बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं इसको। बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। आप देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्पेशल है, ठीक है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है अब तक जो रिएक्शन आपने देखा है उन सब से अलग है। और मैकेनिज्म क्यों अलग है उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है। पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं फिर वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को समझते हैं। देखो ये हमने एस्टर को कंसीडर किया, अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर को कंसीडर किया, साथ में हम जिंक को यूज कर रहे हैं, जिंक एंड ईथर। तो देखो जिंक ईथर सॉल्वेंट है, जिंक के वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, जिंक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आता है और ये हैलोजन रिमूव होता है। ध्यान देना ये भी हो सकता था जिंक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करता और हैलोजन रिमूव हो जाता। अगर जिंक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे इस कार्बन को ट्रांसफर करता तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एस्टर का कंडेंसेशन कराने के लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। और जब हम इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखते हैं तो पता चलता है कि रिएक्शन में कभी भी एस्टर का कंडेंसेशन नहीं होता, एस्टर का सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होता। तो एस्टर का सेल्फ कंडेंसेशन नहीं हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को पहले लिख लो, फिर उसके बाद अगर आपने ये लिख लिया तो इसके थोड़ा नीचे जो है जगह छोड़ करके मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उसको नोट करो, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इनोलेट, ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इनोलेट रेदर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इनोलेट रेदर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, रेदर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट, इज प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट, इज प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट बिकॉज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, बिकॉज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of this base, self condensation of ester is possible. Self-condensation of ester is possible, which is not observed experimentally. ठीक है, तो बोल रहा है कि यहां पे जिंक इस कार्बन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना सकता था, लेकिन वो जिंक इनोलेट बनाता है, मतलब ऑक्सीजन को लोन पेयर दे करके वो जिंक इनोलेट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए करता है क्योंकि अगर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाता तो वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो कि स्ट्रांग बेस होता है वो एस्टर का सेल्फ कंडेंसेशन करा सकता है, जैसे रिएक्शन ये क्लेजेन कंडेंसेशन में हुई है। जबकि एक्सपेरिमेंटली कभी भी सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो जिंक इनोलेट फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड कर रही है, न कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के फॉर्मेशन के थ्रू। तो इसलिए ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। तो अब यहां पे देखो क्या बनेगा भाई, यहां से अगर इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो ये बन जाएगा C O ZnX O R double bond C। ये बनेगा, इसको बोलेंगे जिंक इनोलेट। बेसिकली देखो ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये जिंक टू पॉजिटिव बन जाएगा और यहां से एक्स नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव और जिंक टू पॉजिटिव मिलकर के जेड एन एक्स पॉजिटिव बना लेते हैं और यहां ये ऑक्सीजन ओ नेगेटिव बनेगा, तो उस ओ नेगेटिव से जेड एन एक्स पॉजिटिव अटैच होकर के ये बनता है। तो अब देखो बेटा ये है जिंक इनोलेट। अब आगे देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। अब जैसे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड कंसिडर किया, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम कंसिडर कर रहे हैं तब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर होता है, ये कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। अब ये जो जेड एन एक्स आप देख रहे हो, ये जेड एन एक्स अब इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ेगा तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर सिंगल बॉन्ड सी एच फिनाइल ओ जेड एन एक्स, ये बन जाएगा। और अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, जेड एन एक्स हट जाएगा, तो जेड एन एक्स हट करके यहां पे हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी सी एच फिनाइल ओ एच, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बेटा मैकेनिज्म क्लियर हो गई, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आई।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे जिंक जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और यहाँ से एक्स नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। ये एक्स नेगेटिव और जिंक टू पॉजिटिव मिलकर के जेड एन एक्स पॉजिटिव बना लेते हैं और ये जेड एन एक्स पॉजिटिव ये यहाँ पे अब ओ नेगेटिव बन चुका होगा, उससे अटैच होकर के ये बन जाता है जिंक इनोलेट। अब ये जिंक इनोलेट आगे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, कैसे? ये बॉन्ड पेयर यहां आया, ये पाई बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर हुआ, कार्बन उस लोन पेयर को यूज करके एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। यहाँ का जेड एन एक्स पॉजिटिव फ्री होकर के अब इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जेड एन एक्स हटेगा और यहीं पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। अब मैं आपको बताता हूं अगर हम यहाँ पे साइनाइड यूज करेंगे तब क्या होगा। अगर हम यहाँ पे साइनाइड यूज करेंगे, मैं यहीं पे दिखा रहा हूं उसको क्योंकि पीछे का स्टेप तो सेम ही रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे साइनाइड को यूज करते हैं तो साइनाइड को यूज करने पे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है तो इसी नाइट्रोजन से जेड एन एक्स आकर के जुड़ जाएगा, तो अब यहां पे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, यहां पे आर आ गया, सी डबल बॉन्ड एन जेड एन एक्स। अब आप देख सकते हो ये एक इमीनो इमीनियम सॉल्ट है, इमीनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से अब तक जो कुछ भी हुआ है वही यहां भी होगा, तो क्या होता है भाई, पूरा नाइट्रोजिनस पार्ट हट जाता है और उसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। अब फटाफट कंडेंसेशन की लास्ट रिएक्शन लिख लो, आज इसको कंडेंसेशन को फिनिश कर देते हैं। लिखो डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन, डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन इसका डिटेल लिखो, डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन का डिटेल लिखो। व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट, व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट is treated with alpha halogenated ester, when a carbonyl compound having alpha hydrogen or not is treated with alpha halogenated ester containing at least one alpha hydrogen in presence of a strong base like metal alkoxide, in presence of a strong base like metal alkoxide or sodamide, then alpha beta epoxy ester
ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिडिक एस्टर, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिटिक एस्टर इज ऑब्टेन्ड, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिडिक एस्टर इज ऑब्टेन्ड। अब जरा देखो बेटा यहां पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने इसको ट्रीट किया एक एस्टर के साथ, अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर के साथ, जिसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। इसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, आरओ नेगेटिव, आरओ एनए और एनएएनएच2, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, तो रिएक्शन के थ्रू ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, ये बन जाता है। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है इसको देख लो। देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लो सोडामाइड को हमने कंसीडर किया, तो NH2 नेगेटिव है, ये NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। NH2 नेगेटिव हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो यहां पे कार्बन आयन बन गया। अब देखो क्या होता है, ये कार्बन आयन जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये जब अटैक करेगा तो उससे ये इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होगा। ये बन जाएगा बेटा, और फिर क्या होता है, फिर ये इंट्रामोलिकुलरली इस पे अटैक करके हैलोजन को रिमूव कर देता है, तो हैलाइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इपॉक्साइड बन जाता है। तो ये अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर या ग्लाइसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन का पूरा डिटेल डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डिस्कशन होना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सिर्फ 3 रिएक्शन आती हैं, मेनली उसमें कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन है, टिशेंको रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। तो कैनिजारो रिएक्शन उसमें जो है मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बाकी सब तो का डिस्कशन तो छोटे होता ही। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद जो बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एनसीईआरटी में गिवन है उनको डिस्कस करते हुए और ऑक्सीडेशन में एनालिटिकल टेस्ट डिस्कस होने हैं। कोशिश करते हैं कि कल जो है एल्डिहाइड कीटोन समराइज हो जाए, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन का जो बचा हुआ डिस्कशन होगा उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो बहुत छोटा टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे। तो फ्राइडे को मैंने बोला था आपको कि फ्राइडे को आपका पी ब्लॉक का टेस्ट होना है। ठीक है, तो आप जो है टेस्ट के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपने कर लिया होगा। तो कल आपका पहले टेस्ट होगा 7:30 to 8:30, उसके बाद फिर क्लास होगी। ओके बेटा।